या गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं करीब करीब 6:30 और मैं नहा हुआ के रेडी हो गया हूँ। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से नीलकंठ महादेव के लिए और सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, कोशिश करेंगे 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से जल्दी पहुँचें और फटाफट दर्शन करें, आपको भी कराएं और फिर वहाँ से निकलते हैं वापस आके फिर डिसाइड करते हैं डेली कितनी देर में निकलना है, क्योंकि बॉडी बहुत क्लीन कर लिया। चलिए मिलते हैं आपको बाइक पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम चल रहे हैं नीलकंठ की ओर। सुबह सुबह बाइक चलाने का मजा आता है और वो भी पहाड़ों में। आ रहा था जब मैं दिल्ली से, तभी जो मजा था ये 10 गुना था। अभी जो है ये मजा 5 गुना रह गया, क्योंकि बहुत ज्यादा ही भारत हाइट हो गई है। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है करीब 20 से 22 किलोमीटर का। कोशिश करते हैं जल्दी कवर हो जाए। मैंने रेन जैकेट पहन लिया क्योंकि बारिश होने के चांसेस थे, लेकिन मैंने आगे कुछ दिन करने के लिए हो सकती है इसके अंदर हवा बिल्कुल पास नहीं होती। हाँ, ये बारिश में इसके अंदर नमी हो जाती है। अभी मैंने पहन रखा है जिस दिन बारिश थी उसके बाद इसमें नमी हो गई है। भैया नीलकंठ महादेव के लिए यही है ना? ऐसा होता है मैप दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसलिए पूछा है कि अगर मैं लास्ट आपने वीडियो देखी होगी कल वाली, तो लास्ट आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो में कि यहाँ पे नीलकंठ के लिए स्टेट लिखा हुआ था जहां से हम आए हैं अभी उससे उस साइड, और इधर लिखा हुआ था कुछ और। लोग घूमने आए हैं दिल्ली से, पुल के बीचों बीच गाड़ी लगा के खड़े हैं। यहाँ से है लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट नीलकंठ। यहाँ इन्होंने ये पंचायत शुल्क पता नहीं काएगा शुल्क है जो ये वसूल रहे हैं यहाँ पे। ना टोक लिया करो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। जाते वक्त टोकना ज्यादा बुरा है। कितनी दूर है यहाँ से? ले लो ठीक है जी। वैसे काय का है? व्यवस्था शुल्क जिला पंचायत पौड़ी। अच्छा, जैसे कि मैं कह ही रहा था इनका अपना ही एक चल रहा है और मेरे कांच पे इतना ज्यादा फॉग आ गया है कि मेरे को दिख नहीं रहा, तो पहले तो मेरे को ये साफ करना पड़ेगा। नीलकंठ में बहुत छोटा था उस टाइम आया था, उसके बाद आज मैं मतलब सेकेंड टाइम आ रहा हूँ, बट मैं जब बहुत छोटा था तब मैं एक बार फैमिली के साथ आया था। तब से अभी तक मेरा कोई प्लान ही नहीं हुआ, सोचता बहुत था हूँ आऊँगा, लेकिन बाबा की इच्छा के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। और आज जो है हम आ गए हैं यहाँ पे। बाबा ने जो और बाबा का नीलकंठ इसलिए नाम है क्योंकि जब समुद्र मंथन के टाइम पे इन्होंने विष पिया था तो इनका गला नीला हो गया था,
फोटो देखी होंगी काफी सारी, तो इसलिए इनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो जब संसार में उत्पन्न हुआ ऐसा विष जिससे पूरा संसार खत्म हो सकता था, उसे बाबा ने पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। तो बाबा आपकी जिंदगी में चाहे किसी भी तरीके की परेशानी हो, किसी भी तरीके का विष हो, उसे तो दूर कर ही देंगे। तो एक बार बाबा के पास जरूर आए और बाबा से आशीर्वाद लें। हम आ गए नीलकंठ महादेव।
और यहाँ मैंने प्रसाद लिया है, ये हम एग्जिट गेट पे हैं अभी। अभी यहाँ से आगे जाना है और आगे का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जब तक आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ से प्रसाद लिया है, इस दुकान से हमने प्रसाद परचेज किया। एक्चुअली प्रसाद हाथ में है तो प्रसाद की वजह से अगर वीडियो ज़्यादा हिले या कुछ हो तो भाई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। हाथ में प्रसाद है, बाबा के पास आओ तो उनको एक लोटा पानी ज़रूर चढ़ाओ, क्योंकि आप कुछ भी चढ़ा लोगे उससे ज़्यादा एक लोटा पानी काम करेगा। और अब किस तरीके से चढ़ाना है और क्या चढ़ाना है ये तो आप खुद ही जानते हैं, यहाँ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। सुबह का टाइम है, बिल्कुल भीड़ नहीं है, खाली है एकदम, बढ़िया कचौड़े चौड़े वाले भी बैठे हैं यहाँ पर। वापस आकर ट्राई करते हैं। और मैंने एक बड़ी ही प्यारी मूर्ति ली है बाबा की, जो मैं बाबा का तिलक ले जाकर उस पर लगा दूँगा। यहाँ से रास्ता अंदर ही अंदर होते हुए जाता है और यहाँ से क्या मंदिर मंदिर इधर कन्फ्यूजन है, बड़ा कन्फ्यूजन सा रास्ता बना रखा है, लेकिन बढ़िया है। क्या मंदिर एंट्री इधर से? पता नहीं, डाउट है। डाउट है, कई लोग वहाँ से 3 नंबर गेट पे जा रहे हैं, कई इधर से ही आ रहे हैं। हाँ चलो इधर से चलते हैं। हम जो हैं यहाँ से नीलकंठ महादेव के यहाँ से निकल चुके हैं और अंदर की फोटोग्राफी जो है अलाउड नहीं थी, इवन मैंने वीडियो ऑन कर रखी थी, मेरे को थोड़ी देर बाद सुनना पड़ा, चलान तो नहीं हुआ मेरा। लेकिन आज जो पंडित जी हमें मिल गए एक अच्छे से, जिन्होंने हमारे को अच्छे से दर्शन करा दिए और बेहद ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे को घुमाया। मैं एक्चुअली लॉक लगाना भूल गया हूँ अपना, बहुत ही सुंदर नज़ारे। अगर आप लोग चाहें तो आराम से भी आ सकते हैं दर्शन करने, लेकिन मेरा पर्सनल ये है ओपिनियन कि आप अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, जिससे कि आपको मज़ा आए नज़ारे देखने में, इवन भीड़ आपको कम मिलेगी, फिर आप आराम से दर्शन कर सकते हो। नहीं तो लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है और फिर आपको टाइम लगेगा किसी भी चीज़ को करने में, क्योंकि फिर रूटीन ख़राब होगा, सुबह सुबह लाइन में टाइम जाएगा। और कभी भी जल्दी मत करो, आप हिसाब से चलाओ, अपने कंट्रोल में रखो गाड़ी को। नौ बज गए हैं, मैं सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। रास्ते में मैं कहीं रुकना नहीं चाह रहा, मतलब रुकूंगा तो सही है, मतलब मैं जल्दी नहीं रुकना चाह रहा, मैं सोच रहा हूँ हरिद्वार वगैरह क्रॉस करने के बाद 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद फिर कहीं पे रोका जाए। देखते हैं पहले तो इधर से खींच के निकालते हैं। जय हो महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु भोले भोलेनाथ।
आज अगली ट्रिप से पहले कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो खरीदनी ज़रूरी हैं, वो लेना पड़ेगा। तो और नेक्स्ट ट्रिप अपना कहाँ का होगा उसके लिए आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा, या नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है, हम पीछे नहीं पड़ सकते। बट हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लोगे तो रिसेंट अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे कि नेक्स्ट प्लान कब कहाँ का है, नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जा रहे हैं। अभी तो सबसे पहले गाड़ी की मरम्मत करानी है, इसके जो ऑयल लीक हैं चॉकर के वो ठीक कराने पड़ेंगे, मतलब उसमें ऑयलिंग करानी है, और बजाज में जाकर लड़ाई करनी है क्योंकि ऑयल लीक हो गया था। क्योंकि सर्विस के टाइम में मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि मुझे जाना है और ठीक से करना, तो उसने लॉक कैसे लूज छोड़ दिया। बारिश के मौसम में खुदा खादी का काम ना करें, क्योंकि बारिश के मौसम में ये सारी जो है रोड पर मिट्टी आ जाती है, और स्पीड जो है हमारी वो स्लो तो रहती है बारिश में, टायर स्किट मारने लगते हैं चाहे आप कितने भी स्लो चला रहे हो। तो एटलीस्ट बारिश के मौसम में ये सब काम ना हो, गर्मियों में कर लो, सर्दियों में कर लो। आगे होटल में वापस, अभी यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स दिल्ली, कोशिश करते हैं जल्दी पहुँचने की। अभी टाइम हो रहा है 10:50 और मोस्ट प्रोबेबली 5 या 6 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। चलिए चलते हैं यहाँ से। ऋषिकेश से दिल्ली आ गए, रास्ते में थोड़ा सा नामरी करप्ट होने की वजह से कुछ वीडियोस पूरी क्लियर आ नहीं पाई, तो क्लियर किया नहीं आ पाई, मेमोरी करप्ट हो गई, तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो डिलीट करनी पड़ गई। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था बैकअप करने का बट हो नहीं पाया, सारे मैंने जो भी कर सकता था वो देख लिया मैंने करके, लेकिन वो फायदा कुछ हुआ नहीं। तो नामरी करप्ट होने की वजह से वीडियो जो है वो ऋषिकेश से आने के बाद थोड़ी सी है मेरे पास, मतलब तकलीफ हैं जो मैं डालूंगा, और उसके बाद का कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं सीधे दिल्ली आ गया और काफ़ी थक गए हैं, हालत जो एकदम टाइट है, बहुत मतलब नॉन स्टॉप ही चला के लाने की कोशिश करिए, नॉन स्टॉप लेके आया हूँ। कुछ रास्ते में एक आपका जूस वूस पिया था, तो मतलब बस और कुछ नहीं, खाना मैंने कुछ खाया नहीं, सीधे घर आ गया। अब यहीं पर बैठ के खाना ना खाएंगे और अपने बाइक के जो शॉकर लीक हो गए थे उसको ठीक कराने हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं जब
शोरूम जाऊंगा तो सर्विस सेंटर जाऊंगा तो बनाऊंगा, तो वो भी आपको देखने की मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगला जो ट्रिप होगा उसके बारे में प्लान करते हैं कुछ, कहाँ जा सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, तो जैसे ही होगा मैं अपडेट कर दूंगा आपको। और रीसेंट अपडेट के लिए मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं रीसेंट अपने अपडेट्स लगा रहता हूँ। और वीडियो के लिए बने रहिए, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।